विद्यालय हमारी नींव होते हैं, शिक्षा हम सबका अधिकार। पर बात उन बच्चों की हो जो मानसिक कमजोर या दिव्यांग हो तो हर स्कूल उतना सक्षम नहीं दिखता है। परंतु पंजाब के लुधियाना शहर में SRN स्कूल ऐसे ही बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का अथक प्रयास कर रहा है। SRN स्पेशल स्कूल इकोलाहा में बच्चों के अभिभावकों ने खुशी जताई कि स्कूल प्रबंधन ने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे प्रयास करता है, जिसके कारण यह स्कूल उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। स्कूल के MD गिरधारी प्रसाद, स्टाफ सदस्य शशि प्रभा, परेश कुमार, बिनोदिनी और रानी ने अतिथियों का स्वागत किया और स्कूल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अभिभावकों के लिए गेम्स का भी आयोजन किया गया। बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। मैं जी प्रसाद, ऑडियोलेशन स्पीच थेरेपिस्ट, डायरेक्टर ऑफ SRN स्पेशल स्कूल इकोलाहा खन्ना पंजाब। मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ जो मेरे साथ एसोसिएट नहीं है और जो पेरेंट्स हमारे पास नहीं आ सकते हैं, उन पेरेंट्स के लिए ये है कि अगर ऐसा बच्चा आपके पास है, ऑटिज्म हो या चाहे कितना भी प्रॉब्लम बच्चे का हो, लेवल 1 का हो या लेवल 4 का हो या लेवल 3 का हो, घबराओ नहीं, बिल्कुल शांति मन से उसे समझने की और समझाने की कोशिश करो। अगर आप पैम्पर हो जाओगे तो ये बच्चा फिर आपसे ट्रेंड नहीं होगा, और बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस लेवल पे आके काम करते हैं। अभी हम पेरेंट्स के काफ़ी फोर्स के बाद रिहैबिलिटेशन में आए और 10 साल से 12 साल से स्कूल चला रहे हैं, काफ़ी अच्छा से चल रहा है। वी आर हैप्पी कि इन 12 सालों में, 10 सालों में मेरे ख्याल से मोर देन 50 स्टूडेंट्स को हमने स्टैंड अप दिया हुआ है, एंड अभी 2-3 की बारी है। कोई भी पेरेंट्स अगर आना चाहते हैं तो आके विजिट करें, समझें।